अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आप जैसा कि आपने देखा, लास्ट ब्लॉग के अंदर हम लोग कुटुन गाँव में पहुँच चुके थे, और यहाँ से हमने बबून वैली के लिए की थी जीप। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे सफ़र बबून वैली का। जीप के अंदर गाड़ी हमने यहाँ पर कर दी है पार्क। ये रोड पर ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, सारी गाड़ियाँ यहीं पार्क थी। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सामने ये देखिए घर कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब कैमरा को दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं कहूँगा तो नेचुरल, अगर आप रियल लाइट देखेंगे ना तो बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर। ये जगह इस तरह खूबसूरत एक एक घर नज़र आ रहा है। तो ये देखें, आपको मैं घर दिखा दें, यहाँ से भी शायद कुछ दिख रहा हो यहाँ से आपको। कैमरा में ज़्यादा नहीं होना, कैमरा अच्छा हो तो ये शायद फिर भी कुछ बेहतर दिखे। रास्ते में इस तरह के बड़े खूबसूरत और बहुत छोटे छोटे से गांव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत हसीन मंज़र पेश करते हैं। बीच में एक ये स्टॉप आया जगरान का, यहाँ से अगर आप जीप करेंगे आपको और सस्ती पड़ेगी। नीचे तो 12,000 का रेट है, यहाँ से तकरीबन 8,000 का रेट है। यहाँ तक रोड अच्छा है, गाड़ी आ सकती है आपकी। ये हमारी जीप, मैं अब बैठ गया हूँ ये ऊपर जीप की छत पे बैठ गया हूँ, ताकि कुछ वीडियो बना सकूँ अच्छी अच्छी सी और दिखा सकूँ आपको भी, क्योंकि अंदर से तो कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ से आपको चादर का व्यूज अच्छा दिखेगा काफ़ी। ये देखें, ये है जागरान गांव, बड़ा खूबसूरत सा गांव है, छोटा सा गांव है ये जागरान। और यही रास्ता जा रहा है बबून वैली के लिए। यहाँ तक जो कतून लेक, वो जो नीचे से हम बैठे थे कुटन से, यहाँ तक तकरीबन लगे हैं हमें कोई आधा घंटा। अब आगे देखते हैं कितनी देर लगती है। और हमने गलती की, हमने नीचे तो गाड़ी कर ली, ये हमने गलती की, हमें यहाँ से आगे गाड़ी करनी चाहिए थी। अभी तक तो रोड काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये देखिए साफ सुथरा रोड है अभी भी, और बहुत ही खूबसूरत हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, जो कि मैं चाह रहा था ना हो, पर बारिश हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, नसीब सुबह से धूप निकली हुई थी और अब हो गई बारिश शुरू। देखें कहाँ तक ये रोड सही है, फिर आगे रोड जहाँ ख़राब होता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत जगह है यार, कसम से मज़ा आ गया। यहाँ इतना खूबसूरती है तो ऊपर क्या होगी, पर लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है, एक तो बारिश हो गई और दूसरा ये हो गया हम लेट पुत हो गए, 5 तो यहीं बच गए, 7 बजे पकड़ी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा देखने का कुछ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है कि यहाँ का रिजॉर्ट बने हैं छोटे छोटे, मेरे ख्याल से रूम भी अवेलेबल है यहाँ पर आपको। ये देखिए बिल्कुल खाई में जा रही गाड़ी, ओहो पानी से जाएगी, ज़बरदस्त। बदल वालों के लिए ये पुल बनाया गया लकड़ी का, और ये गाड़ियाँ यहाँ से बता इस पानी से आती हैं इस तरह गुजर कर। अब मेरे ख्याल से रोड ऑफ रोड शुरू हो गया है, तो काफ़ी झटके लगने वाले हैं मुझे, ऊपर तो मैं बैठ गया हूँ वीडियो के चक्कर में। ये देखिए कितना कैमरा हिलेगा, अब किसी की दावत चल रही है, मेहमान आए हुए थे काफ़ी, खाना पकड़ा बाहर, ये एक गाँव आया छोटा सा, कैमरा काफ़ी रहेगा क्योंकि भाई आपको पता रोड किस तरह का रोड है, किस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करिए।
ये बड़ा देखें, इसे व्यू इतना अच्छा है कि ये आप देख सकते हैं, बहुत ही हिल रहा है कैमरा क्योंकि गाड़ी इतनी हिल रही है, मुझे से बैठे नहीं जा रहा। ये व्यू देखें ऊपर से, मैं वो जो आपको गांव दिखा रहा नीचे इस वक्त, ये वो व्यू है। ये गाड़ी मोड़ने की कोशिश हो रही है, ये रास्ता आप इस तरह का देखें, यहाँ से आएँ, अब ये गाड़ी यहाँ से मोड़ेंगे और इस तरफ जाना है हमने ऊपर। ये आगे जंगल शुरू हो जाएगा, फिर इस जंगल क्रॉस करके बगुनी गली से पता आ जाएगा। ये गाड़ी घूम रही है, ये घूम गई है, ये सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये बबूने माता जाना है, आधा घंटा बताना लगेगा। और ये सामने लगे, ये बर्फ़ भी है अभी तक, और ये हमारी गाड़ी गर्म हो गई थी, पानी वानी डाला यहाँ से इसको, काफ़ी मुश्किल रास्ता है, कंटिन्यू करते हैं सफ़र अपना। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग पहुँच गए हैं बबून टॉप। ये है बबून टॉप, जिसका बड़ा नाम सुना था मैंने, तो जहाँ से हमने जीप की है कतुन से, वहाँ से यहाँ तक आने में तकरीबन कोई मेरे ख्याल 2 घंटा 20 मिनट लग गए। जगह देखें आप कितनी खूबसूरत, सांस फूल रहा है। वो जो जीप है हमारी, वहाँ से हम ऊपर आए, ये देखिए बादल बिल्कुल हमारे नीचे। ये बर्फ़ अभी भी पहाड़ों पे है, और ये बादल हट जाते काश तो काफ़ी अच्छा व्यू होता है, का कितना ज़बरदस्त व्यू है। जानवर देखें अपना चारा तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं, और ये हमारी जीप खड़ी है यहाँ पर, अभी तक बर्फ़ है यहाँ पर। नीचे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से भी आपको दिखाते हैं इसका व्यू। ये बादलों ने सब कुछ छुपा दिया है, ये आप देख सकते हैं बबून टॉप का। इस तरह के ये पौधे हैं यहाँ पर, फूल निकले हुए बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, ये आप देखें ये लोग कितने सारे हैं, ये बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल रास्ता है, 2 घंटा 2.5 घंटे रास्ता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ऊपर आके दिल खुश हो जाता है, अगर ये बादल नहीं होते, अगर ये बादल नहीं होते तो और ज़्यादा अच्छा व्यू होता। आए नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे से व्यू देखते हैं इसका। पीछे बादल, सारे बादल आ गए हैं, सारा व्यू छुप गया है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जगह आपने देखी कि ये देखें आप, तो मैं बता रहा था जगह तो है बहुत प्यारी, पर इस वक्त बादलों ने तो ओढ़ लिया है, छुपा लिया है अपने इसके उसन को। तो मैं आपको जीप का बता रहा, जीप वाले ने यहाँ तक आने के लिए 12,000 रुपये डिस्काउंट के करने के बाद, वरना 14,000-14,000 रुपये मांग रहे थे। और रास्ता बता दिया मैंने आपको, 2.5 घंटे का है, कोई ट्रैक नहीं है, सीधा आपको जीप आगे उतारती है टॉप पर, और टॉप आप यहाँ देखेंगे, टॉप पे हम लोग इस वक्त हैं। बबून वैली इंतहाई खूबसूरत और बड़ी अच्छी जगह है नीलम वैली की। इसके दो रास्ते आपको निकलते हैं, अब जो दो जगह से आप लोग जा सकते हैं, एक तो कुतुब वैली से तकरीबन
जीप ट्रैक 2 घंटे 20 मिनट का है, और एक इसका रास्ता है किरण गांव से, उसका रास्ता वो भी थोड़ा लंबा है, 3 घंटे तकरीबन वहाँ से भी लग जाते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं आपको जाने के लिए बबून वैली के लिए। तो इस वक्त जो महीना था वो जुलाई का था, इंतहाई खूबसूरत मौसम, लेकिन बादलों की वजह से सारा जो मज़ा था थोड़ा किरकिरा सा हो गया था, लेकिन फिर भी जो हरियाली आपको जून जुलाई अगस्त में मिलेगी वो हरियाली कश्मीर के किसी भी मंथ में आपको नहीं नज़र आएगी। कितनी हरियाली आपको इन मंथ में नज़र आती है जून जुलाई में, तो ये बेहतरीन मौसम है आने के लिए जून जुलाई और अगस्त। थोड़ा महंगा भी होता है क्योंकि आपको पता है सीज़न होता है, छुट्टियाँ होती है बच्चों की, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं निकलते हैं और हर चीज़ यहाँ पर आती है महंगी, पर मौसम जो है बेहतरीन वो यही है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आपने अगर बबून वैली आना है तो इन 3 महीनों के अंदर अंदर ही आएँ, बड़ा मज़ा करेंगे इंशाल्लाह आप। बिल्कुल नेचर खूबसूरती है, देखिए बर्फ़ अभी तक यहाँ काफ़ी पड़ी है, नीचे जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, अंधेरा होने वाला है, इसलिए नीचे हम नहीं जा रहे, वरना नीचे ये जाते बर्फ़ में भी तस्वीरें खिंचवाते, पर नीचे बहुत फिर ऊपर आने में मुसीबत हो जाएगी। ये पूरा ज़बरदस्त व्यू, टाइम बहुत भागा भागी में हुआ है, बहुत लेट हो गया है, सारा जो देर शुरू हुई हमारी वो सिर्फ ट्रेन की वजह शुरू हुई, ट्रेन जो लेट हुई उसके बाद हर चीज़ लेट होती गई। चलें अब हम जा रहे हैं, वापसी का सफ़र कर रहे हैं, अंधेरा होने वाला है, कुछ दिखाने का तो होगा नहीं। तो बबून वैली का सफ़र यहाँ तक का था, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और कमेंट्स कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और बबून वैली आप ज़रूर आइएगा, यहाँ आने के लिए मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा, आप लाजमी आइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत प्यारी जगह है, लेकिन आइएगा सुबह सुबह कि इसका बेहतरीन टाइम सुबह आने का। अभी देखें बादल, हर जगह बादल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये हम गलत टाइम पे आ गए और अंधेरा भी होने वाला है। चलें फिर हम वापसी जा रहे हैं ऊपर अपनी गाड़ी में, और फिर सफ़र करते नीचे, तो फिर आपसे मिलते हैं नीचे जाके जहाँ हम स्टे करेंगे। ये देखें बर्फ़ अभी तक है, सांस फूल गया है, यहाँ से थोड़े बादल हट गए, तो सोचा आपको यहाँ से दिखा दें ये भी बादल, तो ये देखें वापसी का सफर वहाँ स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये देखिए बादल देखें कितने, वरना ये तो व्यू दिखता है ना दूर दूर तक के पहाड़ जो दिखते हैं खुद देखने वाले होते हैं, अगर हम दिन में आते ना ये बादल नहीं होते, सामने बिल्कुल साफ सुथरा होता तो फिर पूरा व्यू दिखता भी था कि पूरा बादल में छाया हुआ है, हर चीज़ छुपी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। आ गए हैं कतून पे, जहाँ से हमने जीप की थी, इस जगह जीप खड़ी हुई थी, यहाँ से हमने जीपें की थी, तो वापसी इतने यहाँ लगे तकरीबन 2 घंटे यहाँ लगे आने के, 2.5 घंटे जाने के लगे, तो यहाँ पर वापसी लगे छोड़ा, यहाँ से अपनी गाड़ी करके वापसी हम जाएंगे अपनी लंग तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं रास्ते में कहीं खाना वाना खाते हैं। इस शॉप से सामान वामान लिया है, ये दिखाई दिया आपको शॉप ने, तो सामान लिया, अब तो चल कर नहीं कर रहे हैं सही क्योंकि काफ़ी थक गए, और फिर हम आगे जाते हैं अट मकान की तरफ और वहाँ जाके खाना खाएंगे और पनीलम पे स्टे करेंगे, फिर आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। कतून वाटरफॉल आ गया दोबारा रात में, तो रात का सब व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये वापसी में आए थे तो थोड़ी देर रुक गए वीडियो बनाने के लिए, पानी की स्पीड देखें आप इस वक्त कितनी ज़बरदस्त चल रही है, और लाइटिंग करके खूबसूरत लग रही है, आओ चले अभी हम चलते हैं।
किरण पहुंच चुके हैं हम लोग को इरज। देखिए आप कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर किरण में। किरण ये वाहिद गांव है जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर जहाँ मिलती है। सुबह मैं आपको दिखाऊँगा, फिलहाल रश चेक करें क्योंकि छुट्टियाँ हैं मुहर्रम की, शायद वजह से काफ़ी रश है आज 8 मुहर्रम में। आज यहाँ बटकराई भी है और दूसरे ऑप्शन भी हैं, देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं हमें। चार साल पहले आया था, काफ़ी चेंज हो गया इस हिसाब से, तो काफ़ी रौनक हो गई है, काफ़ी बाजार बन गया है कि तो अच्छा हो गया है। पीछे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम कोई पिकनिक पॉइंट पर आए हैं, नॉर्दर्न एरिया में सन्नाटा था। फास्ट फूड भी नज़र आ रहा है भाई यहाँ पर तो। बट कढ़ाई का ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और बट कढ़ाई खाते हैं, और तो कुछ नज़र नहीं आया इसके अलावा। ऐड किया है बट कढ़ाई खाने का और कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं आया। बट कढ़ाई आपको पता हर जगह की एक तकरीबन एक जैसी होती है, ये भी चेक कर लेते हैं खा के और फिर आपको मिलते हैं खाने में। काफ़ी रश है यहाँ पर भी, चल भी चलते हैं अंदर। रश था आज क्योंकि तीन छुट्टियां आपको पता है मैं बताया आ रही हैं, काफ़ी यहाँ पर किरण में सारे होटल बुक थे। तकरीबन कोई एक से डेढ़ घंटे हम लोगों ने खाने में वेट किया, तो खाना जब आया तो वो बिल्कुल ही फारिक, जो वीडियो आपको मैं दिखाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं, कच्चा कच्चा खाना बना हुआ था, सारा अच्छा नहीं बना हुआ था बिल्कुल भी, बिल्कुल कच्चा खाना बना हुआ था, खाना भी कुछ अच्छा नहीं था। तो मैं आपको बता था खाना भी बिल्कुल फारिक था, दो घंटे हमने कम से कम वेट किया फिर जाके खाना आया। तो होटल के लिए रूम के लिए भी काफ़ी कोशिश की तो रूम हमें नहीं मिल रहा था। तो हम लोग आएंगे ऊपर अपर नीलम पे, बड़ी मुश्किलों के बाद फिलहाल फिर हमें एक रूम पसंद आया और वो मिला क्योंकि सारे होटल फुल थे। मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना, ये है होटल, ये इसकी पार्किंग एरिया है पूरा और ये इसके होटल का है। ये है होटल टोटल, इसमें मेरे ख्याल से तीन ऊपर तीन नीचे रूम है। हमारा नीचे रूम मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ सुबह रूम की कंडीशन कैसी है। बाकी अच्छा रूम है, 5000 में मिल गया इत्तेफाक से, और रश की वजह से हिसाब से मतलब पैसे काफ़ी मुनासिब लगे हैं जिस हिसाब से रश था। ये देखा सामने, ये अपर नीलम का व्यू किरण गांव का, सामने इंडिया जो कि आपको दिन में रोशनी में दिखेगा, और हम पाकिस्तान में ही जाहिर है, पाकिस्तान में ही है, आज़ाद कश्मीर के अंदर। चलो मैं आपको होटल भी दिखाता हूँ अंदर से। ये है यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का है व्यू, बच्चों के लिए झूले भी हैं। रूम में आपको सुबह दिखाऊंगा रूम टूर। तो ये हमारा रूम है, ये वाला रूम है, छोटा सा होटल है लेकिन साफ सुथरा है। तो रात काफ़ी हो गई है, 1 बज रहा है, तो फिर आपसे जाते हैं इजाज़त, सुबह मुलाकात होगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा वीडियो को, और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।